गुड इवनिंग एवरी वन दिस इज सी एस सी एस दिव्या अग्रवाल फ्रॉम एम ई पी एल और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिविजन क्लास ठीक है सो टूडेज गोना बी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन क्विकली हम लोग जो है पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं ये एक्सक्लूसिवली फॉर सी एम ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स है जिनका मैक्रो इकोनॉमिक सिलेबस में है सो वी हैव गॉट टोटल थ्री चैप्टर्स मनी है फिर उसके बाद हमारा बैंक है ठीक है फिर उसके बाद हमारे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के तो बहुत क्विकली हम लोग ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे बहुत इजी सा चैप्टर है मनी बैंकिंग एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फटाफट जुड़ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन आपको ये मेरा बस सेशन सुनना है अगर पहली बार भी मेरा सेशन देख रहे हो तो पूरा का पूरा लेक्चर जो है क्लियरली आपको समझ में आने वाला है सो गाइज वेरी क्विकली ज्वाइन इन एंड फटाफट जो है अपना अटेंडेंस दे दो कंफर्म कर दो आप कि मैं दिख रही हूं कि नहीं दिख रही हूं एक लाइक like बटन हिट करके ठीक है जैसे ही लाइक बटन हिट होगा इंक्रीज होगा मैं समझ जाऊंगी कि मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है गुड इवनिंग दिव्या गुड इवनिंग बिट्टू गुड इवनिंग सिमरन वेरी क्विकली ज्वाइन करो शिवली गुड इवनिंग पायल गुड इवनिंग कशिश गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो जिस तरह से हम लोगों ने कुछ ही पल में मैनेजमेंट का रिविजन किया था फुल फ्लेजेड वैसे हम लोग पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल फ्लेजेड रिविजन करने वाले हैं ट्रस्ट मी ये रिविजन करने के बाद आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है ठीक है तो बताओ क्या रेडी हो आर यू रेडी क्या हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं फटाफट बताओ वेरी क्विकली बताओ फटाफट कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन गुड इवनिंग अभिषेक गरिमा मार्केट का चैप्टर माइक्रो का पार्ट है माइक्रो का मेरा मैराथन देख लो उसमें मार्केट भी कवर्ड है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो मार्केट समझने के लिए बच्चा कॉस्ट रेवेन्यू आना चाहिए तो कॉस्ट रेवेन्यू शायद आपने नहीं किया इसलिए मार्केट नहीं आ रहा होगा तो कॉस्ट रेवेन्यू फटाफट जो है रिविजन कर लो मेरे मैराथन में हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन ऑलरेडी मैंने ले चुका है गुड इवनिंग रूबी गुड इवनिंग पायल अ वेरी गुड इवनिंग एवरी वन यस चंचल गुड इवनिंग चलो यस थैंक यू शिवली चलो फटाफट फड़ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं मैंने आपको इतना इनडेप्थ एनालिसिस करवाया हर एक सब्जेक्ट का माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो चाहे मैनेजमेंट हो आप अगर लेक्चर ही देख लोगे ना आप एग्जाम्स में डिस्टिंगशन के संग पास हो जाओगे ये मेरा गारंटी है ठीक है चलो आ जाओ फटाफट फड़ अब हम लोग मनी को स्टार्ट करेंगे और राइट तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पहले जो है मनी अभी आया है अभी मतलब कि अभी मतलब अभी नहीं मतलब मनी का अलग अलग फॉर्म्स है बट पहले मनी आने के पहले क्या था मनी आने के पहले आपको पता है बाटर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स बाटर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स है ना और लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था देर वॉज प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ अब कोटर में क्या है गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स तो जितने भी गुड्स है सबका दूसरे गुड्स के प्रति एक्सचेंज रेट निकालना पड़ता और ऐसे जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो गुड्स और मुझे जो चाहिए और सामने वाले के पास जो गुड्स मिल रहा है जो मुझे चाहिए उसको वही गुड्स चाहिए जो मेरे पास है

पहले पहले मनी नहीं हुआ करता था गुड्स फर एक्सचेंज फॉर गुड्स और वही मेजर ड्रॉबैक था बाटर एक्सचेंज सिस्टम का तो इसलिए धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंस रियलाइज हुआ कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना जरूरी है तो इसीलिए जो है बाटर एक्सचेंज सिस्टम को रद्द कर दिया गया और धीरे धीरे मनी सर्कुलेशन में आया और यह बात सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि मनी का जो प्रेजेंट फॉर्म आप यूज करो वो पहले मनी का फॉर्म नहीं हुआ करता था पे, अभी आप मनी का कॉमन फॉर्म कौन सा यूज करते हो पेपर नोट करेंसी क्वेंस एक्सेट्रा बट पहले मनी का फॉर्म क्या हुआ करता था बताओ कौरी शेल टोटोइस शेल प्रीशियस मेटल्स स्टोन मोहनजोदारो मूवी देखा ऋतिक रोशन का उसमें बाटर एक्सचेंज सिस्टम में लोग क्या एक्सचेंज कर रहे थे स्टोन एक्सचेंज कर रहे थे कौरी शेल्स एक्सचेंज कर रहे थे सो फॉर्म्स ऑफ मनी जो पहले एक्सचेंज हुआ करता था बाटर सिस्टम में फिर धीरे धीरे जो है मनी आया अब मनी में फिर क्या होने लग गया ये सारे फॉर्म्स आने लगे कौरी शेल स्टोन्स मेटल कॉइन जैसे सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन ये सब यूज होता था लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो हम लोग मेटल कॉइन्स यूज कर रहे चाहे सिल्वर कॉइन हो गोल्ड कॉइन हो इनका इंट्रेंसिक वैल्यू कई गुना ज्यादा है इनके एक्सट्रेंसिक वैल्यू से फिर धीरे धीरे ये सारे मनी भी जो है लोग होल्ड करने लग गए ठीक है क्योंकि उन्हें लगा ये तो प्रीशियस कॉइन इन्हें होल्ड करना चाहिए क्योंकि इनका इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है फिर धीरे धीरे लाइट वेटेड करेंसी कॉइन्स आए लेड कॉइन्स बनना चालू हुआ और उसका देख रहे हो आजकल आप कितना पतला हो गया डायमेंशन और फिर पेपर नोट्स पेपर नोट्स का पेपर देखते हो क्वालिटी कितना ज्यादा पतला रहता है इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं इनफैक्ट

समझ में तो कितना चेंजेस आया सबसे पहले बताओ बाटर सिस्टम होता था जब गुड्स वे एक्सचेंज फॉर गुड्स और जहाँ पे सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या था लैक ऑफ डबल फिर बाटर एक्सचेंज सिस्टम को धीरे धीरे हटाया गया फिर धीरे धीरे मनी को सर्कुलेशन में लाया गया बिकॉज इट सर्विंग एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकिन इसमें भी आपका सबसे पहले कौरी शेल टोटो शेल प्रीशियस प्रीशियोन दीज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी दट वर इंट्रोड्यूस लेकिन फिर धीरे धीरे इसको भी हटा के कॉइंस करेंसी पेपर नोट्स ये सब इंट्रोड्यूस किया गया विच वी आर यूजिंग करेंटली एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फी एट मनी

लेकिन पहले जमाने में अगर मनी नहीं था तो आप क्या चीज स्टोर करोगे क्या स्टोर करोगे आप कुछ है नहीं स्टोर करने को, आप क्या स्टोर करोगे? तो प्रॉब्लम स्टोर करोगे स्टोर करने का प्रॉब्लम हो जाता कुड सम अप ऑल दिंग्स इन टू टर्म्स ऑफ मनी जैसे पहले जब मनी नहीं था अब सपोज करो एक फार्मर है पहले तो वैसे भी लोग जो है बेसिकली जो रिच लोग होते थे वो लोग कौन होते थे फार्मर्स होते थे रिच मनी लेंडर्स होते थे एग्रीगेरियन इंडस्ट्री था ना इंडिया का तो पहले मान लो अगर एक फार्मर था उसके पास वेल्थ कितना वो ज्यादा कैसे पता चलता था वो बोलता था मेरे पास टेन काउ है टेन बफेलो है ऐसे ऐसे बोलते थे ना और फिर उसके बाद मेरे पास मान लो एक जमीन है बहुत बड़ा सारा एक लैंड है ठीक है दस बीघा जमीन ऐसे बोलते थे ना उन लोग फिर उसके बाद मान लो उनके पास एक किलो सोना है तो अब एक चीज बताओ अगर कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है अभी तो आप क्या सबको मॉनिटरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो बट पहले कोई कॉमन मोनटरी यूनिट नहीं था तो क्या ये सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हो कैन यू ऐड विद एड ट विथ वन के जी ऑफ गोल्ड नो नॉट पॉसिबल यू के नॉट ऑल एड ऑल थिंग्स टुगेदर लेकिन अभी आप इसको रुपीज के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और बोल सकते हो हाँ कि ये इतना रुपया का मालिक है आप बोलते हो ना ये करोड़पति है

ठीक है और लेंड कर दिया तो रिटर्न क्या करूं मान लो आपने लेंड किया एक रीपे कैसे करोगे काउ को विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो वापस काउ चुकाल वेर वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ वाटर एक्सचेंज सिस्टम वेन मनी वॉज नॉट इंटू सर्क्यूलेन बट अभी लोग क्या करते हैं पैसा बोरो करते हैं बैंक से भी बोरो करते हैं एक दूसरे से भी बोरो करते हैं और रिटर्न में क्या देते हैं इंटरेस्ट वेदर इज कंपाउंडेड सीआई में या फिर

तो ये पोयम इंट्रोड्यूस किया ये पोयम में चारों फंक्शन ऑफ मनी कवर्ड है तो ये पोयम क्या बोला मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर मेरे साथ साथ बोलो मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर अ अ अ अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड अ मीडियम अ मेजर अ स्टैंडर्ड अ स्टोर है ना मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ अ अ अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड इस तरह से जो है मनी का चार फंक्शंस हाईलाइट किया गया ऑल दो मनी के ऑलरेडी और भी बहुत सारे फंक्शन है बट ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ये चार ड्रॉबैक्स थे अभी मैंने बताया था ना प्रॉब्लम्स इन वाटर यही तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज नहीं था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू नहीं था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ट पेमेंट नहीं था स्टोरेज ऑफ वैल्यू नहीं था तो ये मनी का चार फंक्शन आया मनी के इंट्रोडक्शन के संग इसमें सब बोल रहे हैं, दो फंक्शन जो है प्राइमरी फंक्शन है दो फंक्शन बोल रहे सेकेंडरी फंक्शन और बाद बाकी फंक्शन हो गए कॉन्टेंजेंट फंक्शन तो एकदम इजी है प्राइमरी फंशन के अंदर क्या आ रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ठीक है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू क्या हो गया प्राइमरी फंक्शंस ऑलराइट सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर क्या आ गया स्टोरेज ऑफ वैल्यू

फिर इसके अलावा ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रीज का बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ है लिक्विडिटी जनरेट हुआ है तो ये सारे हो गए कॉन्टेंजेंट फंक्शन ऑफ मनी लिक्विडिटी हुआ लोन देना बेसिस ऑफ क्रेडिट मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करना नेशनल इनकम मेजर करना तो ये सब हो गए कॉन्टिजेंट फंक्शन इनफैक्ट जो भी फंक्शन आएगा आप सबको कॉन्टेंजेंट के अंदर डाल देना तो तीन हेडिंग्स हो गया प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टेंजेंट प्राइमरी के अंदर क्या आया मीडियम एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ समझ गए कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट जो मैंने बोला सबको ऐड कैसे करोगे बोल दोगे ये करोड़पति बंदा है ये बंदा है खरबपति बंदा है उसी को मेजरमेंट ऑफ वैल्यू बोलते हैं मेजर करना पॉसिबल हो गया कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट आ गया और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या गया स्टोरेज ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ट पेमेंट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और कॉन्टिजेंट फंशन में क्या गया जो बाद रिमेनिंग फंक्शन बचे वो किसके अंदर आ गया कॉन्टिजेंट फंक्शन में तो ये तीन ब्रॉड हेडिंग हो गया मनी का क्लासिफिकेशन का प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन कॉन्टिंजेंट फंक्शन विच इज वेरी वेरी इजी क्लियर है आता

जैसे कुछ कुछ लिक्विड आइटम्स होते हैं ना जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इजिली कन्वर्टेबल है कैश में दैट इज आइटम तो वो चीज जो इजिली सेल करके आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड असैट क्लियर अब बोल रहे हैं मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है जैसे मैंने भी आपको बोला करेंसी नोट्स आएंगे कॉइन्स आएंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आएंगे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आएंगे फिर उसके बाद सेविंग्स अकाउंट आएगा करंट अकाउंट आएगा रेकरिंग अकाउंट आएगा एफडी आएगा ये सारे के सारे ही तो मनी के फॉर्म है है ना तो अब बोल रहे हैं मनी का कितना फॉर्म्स है तो ध्यान से सुनना पुराना क्लासिफिकेशन के हिसाब से पहले मनी का चार फॉर्म्स हुआ करता था आरबीआई ने मनी का पहले चार फॉर्म क्लासिफाई किया था लेकिन फिर इसके बाद आरबीआई ने M4 को लेटेस्ट मनी एग्रीगेट इंक्लूड एन एम वन एन एम टू एन एन एम थ्री यानी मनी का तीन काग्रीगेट्स है एम वन एम टू एम थ्री तो नैरो मनी बोला जाता है एम वन को ब्रॉड मनी बोला जाता है एम थ्री को ठीक है तो एम वन के अंदर क्या है

लिख के बताओ चैट बॉक्स में मनी का फॉर्म क्या होता है वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस चैट बॉक्स में लिख कर बताओ मनी के अंदर क्या आएगा सबसे कॉमन चीज यस वेरी गुड कशिश एंड सोर करेंसी आएगा करेंसी के अंदर बोले तो पेपर नोट्स एंड क्वाइंस आएगा है ना पेपर नोट्स और तो ये सबसे कॉमन फॉर्म हुआ तो M1 के अंदर पता है क्या आता है करेंसी पेपर नोट्स ही आता है पेपर नोट्स और मेटेलिक क्वाइंस ही आता है ठीक है प्लस और क्या आता है

प्लस टर्म डिपॉजिट जिसका मेच्योरिटी पीरियड अप टू वन ईर एम थ्री के अंदर एम टू का सर एलिमेंट आता है प्लस टर्म डिपॉजिट जिसका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा है प्लस कॉल मनी क्लियर है तो ये मेरा क्या हो गया बताओ एग्रीगेट्स ऑफ मनी क्लियर एकदम याद आएगा नैरो मनी किसको बोलते हैं ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं एवरीथिंग इज क्लियर अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मैंने आपको दो थ्योरीज पढ़ाया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ठीक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर मैंने बोला था दो अप्रोच होता है एक कैश बैलेंस अप्रोच होता है एक ट्रांजैक्शन अप्रोच होता है ठीक है

बताया था P का मतलब हो गया प्राइस लेवल M का मतलब हो गया स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई V का मतलब हो गया, T is, तो में सब का, का स्टॉक उसको M बोलते हैं v मतलब velocity, कि एक बार पांच सौ रुपए नोट बैंक ने इशू किया तो कितना बार वो हैंड्स एक्सचेंज कर पांच सौ रुपए से कितना जनरेट किया मेनी टाइम्स एट फाइव हंड्रेड रुपीजॉज एक्सचेंज अमॉन्ग दी पीपल दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन हो गया प्राइस लेवल टी मेरा हो गया टोटल ट्रांजेक्शन या टोटल आउटपुट बोल लो बात एक ही है ठीक है तो ये हो गया बट यहाँ भी, भी है लोग खर्चा कर देते गुड्स को खरीदने में लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ रुपया सेविंग्स के फॉर्म में भी कैश के फॉर्म में भी होल्ड करके रखते हैं लेकिन उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया वो किस में बात किया गया कैश बैलेंस अप्रोच में दे अज्यूम एजूम द पीपल आर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग इन परचेज ऑफ द गुड्स ठीक है तो यहाँ पे ये यह चीज लाया गया और यहां पे और एक चीज बोला गया एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी बोले तो पावर ऑब्वियस बात है अगर महंगाई होगा तो पर्चे पावर गिरेगा ना इन्फ्लेशन होगा तो पावर फॉल होगा है ना और अगर डिफ्लेशन होगा तो पर्चे पावर राइज होगा क्लियर है तो वही चीज बोला गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फुल्प्लॉयमेंट इजम में हो नहीं सकता फिर यहाँ पे खाली ट्रांजेक्शन को कंसिडर किया गया है यहाँ पे मनी को कैश बैलेंस अप्रोच को इग्नोर किया गया है लेकिन वो फिर किसने कंसिडर किया कैम्ब्रिज ने Cambridge ने क्या बोला? M is equal to K into y. ये ये मैंने पूरा करके दिखाया था, ठीक uh, uh, है? है, जो प्राइस लेवल इंटू टोटल ट्रांजेक्शन इन फिजिकल गुड इसको नेशनल इनकम बोला गया के मेरा कॉन्स्टेंट हो गया एम मेरा मनी सप्लाई हो गया तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मुला ड्राइव करके दिखाया था पाइज इक्वल टू के आर बाई एम

जब मार्केट में एक्सेसिव डिमांड हो जाता है डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से तो हम लोग उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक्सेसिव डिमांड की वजह से प्राइस लेवल बढ़ गया ठीक है लेकिन जब मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया मान लो जो सप्लायर्स है उनका इनपुट का दाम बढ़ गया इनपुट यानी रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा

क्लियर है यहाँ तक तो ये तीन चीज याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टैक का मतलब स्टेगनेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन या बोलो कंबाइंड फेनोमेन ऑफ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो प्राइमरी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में भी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश और स्टैक इन्फ्लेशन टिल फाइव इज गुड फॉर द इकोनॉमी ठीक है ये अच्छा होता है अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है तो उसमें इन्फ्लेशन होना इनएविटेबल आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते अगर आपका इकोनॉमी तरक्की कर रहा है तो प्राइस लेवल तो बढ़ेगा ना महंगाई तो आएगा ही लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई डोजेस में हुआ मे बी प्राइस लेवल राइज कर रहा है पचास परसेंट साठ परसेंट तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव है इकनॉमी के लिए एंड दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन का मतलब समझ गया महंगाई होना और परचेसिंग पावर गिरना रियल इनकम गिरना अगर महंगाई हो जाएगा तो आप कम गुड्स खरीद पाओगे ना उसी रुपए से तो उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं जिसका रीजन प्राइमरी कॉज है डिमांड की वजह से हो सकता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसकी वजह से या दोनों की वजह से विच इज कॉल्ड ठीक है इसके अलावा और क्या रीजन है डेफिसिट फाइनेंसिंग नो वट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग जब गवर्नमेंट का जो बजट है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू तो डेफिसिट बजट आ जाता है गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बनाता है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड इनकम है अगर वो कम हो जाता है देन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर तो उसको क्या करना पड़ता है अपने बजट को फाइनेंस करना पड़ता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग अब कैसे करेगा या तो आरबीआई को बोलेगा नया नोट्स ले आओ सर्कुलेशन में नए नए नोट छाप कर दो या फिर बोरो करेगा फॉरेन कंट्रीज से वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लिया या फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से बोरो कर लिया तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग तो जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहा तो है तो सबके हाथ में रुपया आ रहा है ना रुपया का हो रहा है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन महंगाई हो रहा है

तो दो चीज होता है एक तो जेनुअनली शॉर्टेज हुआ है गुड्स का या एक आपने जान के किया जब जान के करते तो उसको होर्डिंग बोलते हैं और जब जेनुअनली हुआ है कितनी बार नहीं होता एग्रीकल्चरल क्रॉप में जो फसल का बढ़ोतरी है एक पर्टिकुलर ईयर में मे क्रॉप्स उतना ग्रो नहीं हुआ है कि रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ या कोई भी रीजन हो सकता है नेचुरल कैलॉमिटी हो गया तो जेनुइन शॉर्टेज है तो इसी वजह से क्रॉप्स महंगे हो गए सो दैट इज देुन शॉर्टेज बट जब आप जान मुझ के करते होर्डिंग बोलते हो और ये सबकी वजह से महंगाई होता है ठीक है या फिर आप गुड्स को बना रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट कर दे रहे हो अपने कंट्री में बेचने की जगह एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो इसकी वजह से आपकी कंट्री में तो स्केरसिटी हो गया और फिर उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा या फिर ट्रेड यूनियन महंगा हो गया स्ट्राइक्स करें उन लोग बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारा वेज रेट बढ़ाओ उनका वेज रेट बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट अगर टैक्स कम करेगा तो आप ज्यादा ज्यादा गुड्स परचेस करोगे आपके हाथ में रुपया ज्यादा है जीएसटी भी कम कर दिया इंडियरेक्ट टैक्स भी कम कर दिया तो भी आप ज्यादा गुड्स खरीदोगे क्योंकि उसकी वजह से प्राइस गिर गया आपके हाथ में ज्यादा रुपया ज्यादा गुड्स खरीदोगे डिमांड बढ़ाओगे परचेसिंग पावर बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगा ना तो ये सारे रीजन है इन्फ्लेशन के ठीक है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करना उसकी वजह से भी महंगाई हो सकता है Clear? तो ये सारे रीजन हो गए ठीक है क्या फिर जैसे मैंने बोला तो तो उसकी वजह वजह से से हो जाएगा तो जिसकी भी होगा या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ेगा तो ये सारे रीजन हो गए मनी so बताओ कैसा लगा फटाफट बॉक्स में लिखकर बताओ कैसा लगा चैप्टर इजी और डिफिकल्ट और ग्रम मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ग्रेशम लॉ का मतलब क्या होता है जो बैड मनी होता है ना इट ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्क्यूलेशन बैड मनी हो गया बैड मनी और गुड मनी आपका क्या हो गया सिल्वर कॉइंस मैटलिक क्वाइंस गुड मनी गया आपका सिल्वर कॉइन्स मैटलिक कॉइन गोल्ड कॉइन तो अगर जब मार्केट में दोनों है तो ऑब्वियस है आप जो सिल्वर क्वाइंस है गोल्ड कॉइन आप इसको होल्ड करोगे यूज नहीं करोगे है ना क्योंकि आप बोलोगे इसका एंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है तो धीरे धीरे आप देखोगे ये लोग होल्ड करे तिजोरी में सेव करे इसकी वजह से क्या हो रहा है गुड मनी जो है सर्कुलेशन से ज्यादा क्या कर रहे एक्सचेंज कर रहे हैं ठीक है तो बताओ चैट बॉक्स में लिख कर कैसा लगा ये वाला चैप्टर ओवर हो गया अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक्स के बारे में सो हाउ वॉज अ चैप्टर डिफिकल्ट और इजी पूरा चैप्टर मैंने आपको लर्न करवा दिया बोलो इजी है कि डिफिकल्ट कोई डाउट है सब लर्न हो गया कोई दिक्कत ऑल राइट थैंक यू सौरभ सौरभ इज सिंह अमेजिंग थैंक यू सौरभ चंचल सिंह वेरी इजी ओके थैंक यू तो इसी बात पे एक लाइक like बटन हिट कर दो भाई ठीक है एक चैप्टर ओवर हो गया इसी बात पे लाइक like बटन हिट कर दो और अपना कमेंट प्रीशियस कमेंट जरूर देना जब हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ओवर हो जाएगा अब आइए हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में ठीक है मनी मार्केट के पहले बैंकिंग के बारे में यू नो टू टाइप्स ऑफ बैंक कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक इंडिया में कमर्शियल बैंक बहुत सारा है लेकिन सेंट्रल बैंक एक है हर एक कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम बताओ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है फेडरल रिजर्व चाइना का क्या है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इंग्लैंड का क्या है बैंक ऑफ इंग्लैंड यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो अलग अलग देशों का अलग अलग बैंक होता है ठीक है अब आरबीआई के लिए क्या क्वेश्चन आता है सेंट्रल बैंक के लिए आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था दिस इज इंपॉर्टेंट आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ था लेकिन आरबीआई एज अ बॉडी कब हुआ था 1935 आरबीआई एक्ट वाज पास इन द ईयर 1934

प्रेजेंट हेड ऑफिस आरबीआई का कोई पूछे तो मुंबई में लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आरबीआई का पास्ट हेड ऑफिस कहाँ था कोलकाता में आरबीआई का पहले हेड ऑफिस कोलकाता में हुआ करता था लेकिन 1937 में आरबीआई के हेड ऑफिस को शिफ्ट करके मुंबई ला दिया गया तो मैंने यहाँ पे इतने सारे डेट्स के बारे में आपको पढ़ाया का हेड ऑफिस प्रेजेंटली मुंबई में पहले कलकत्ता में था क्योंकि पहले कोलकाता को लोग कलकत्ता बोलते थे आरबीआई कौन है सेंट्रल बैंक है इंडिया का ठीक है यानी आरबीआई करता क्या है सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है ना उसकी फंक्शनिंग को कौन करके रखे आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर समझ में आया तो आरबीआई का अलग अलग फंक्शन है क्या क्या फंक्शन है

जो गवर्नमेंट का बैंक है हमारा हम तो आम आदमी है हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है लेकिन कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है आरबीआई गवर्नमेंट यानी महान आदमी का बैंक कौन है आरबीआई आरबीआई तो RBI दो जन का का बैंक 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 हो गया गवर्नमेंट एज 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 वेल इज क्योंकि कमर्शियल बैंक का भी बैंक है यानी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो किसके पास जाता है आरबीआई इनफैक्ट कमर्शियल बैंक के पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और सारा दरवाजा बंद हो जाता है तो अल्टीमेटली वो किसके पास जाके किसका दरवाजा खटखटाता है आरबीआई देर फोर आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बताओगे गवर्नमेंट का एजेंट की तरह की तरह उसका इसके अलावा जितने भी फॉरेन करेंसी है उसका कस्टडी किसके पास है आरबीआई आप अपने पास नहीं रख सकते कमर्शियल बैंक भी फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं रख सकता सब कुछ सरेंडर करना पड़ेगा आरबीआई को सो आरबीआई ऑल्सो एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल करना क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बट क्रेडिट कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई ठीक है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्रेडिट कंट्रोल अब आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है उसका दो मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिसको और एक नाम है जनरल मेथड्स और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिसको और एक नाम क्या है सिलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल तो क्रेडिट कंट्रोल का दो मेथड्स मेथड्स क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आल्सो एज जनरल मेजर क्वालिटेटिव मेथड नोन एज सिलेक्टिव मेजर इसके अलावा मैंने बोला कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो ये सारे हो गए आरबीआई के फंक्शंस ठीक है और आरबीआई का मैंने आपको बोला 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था सब कुछ मैंने आपको बोला हेड ऑफिस इसका मुंबई में है एक्सेट्रा अब आओ हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है मैंने दो मेथड्स का नाम बोला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है ना तो क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करेंगे और फिर करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल तो आइए डिस्कस करते हैं क्रेडिट कंट्रोल तो दो मेथड्स है क्वानिटेटिव मेथड क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप क्या बोलोगे आरबीआई करता है एंड क्वालिटेटिव क्वानिटेटिव एक नाम याद रखना जनरल होता है

तो आरबीआई क्या करेगा बैंक रेट को बढ़ा देगा क्यों क्योंकि क्यो? उस समय आरबीआई का मकसद है कि लोगों के हाथ में रुपया ज्यादा फ्लोट नहीं करना है, बल्कि लोगों के हाथ से छीन लेना है. समझ में आए तो इन्फ्लेशन में क्या कर दिया जाएगा बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है तो बैंक रेट को क्या करेगा गिरा देगा क्लियर है इन्फ्लेशन में बैंक रेट को बढ़ाओ रिसेशन में बैंक रेट को गिराओ वैसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन मार्केट ऑपरेशन सेकेंड पॉइंट क्या था ओपन मार्केट ऑपरेशन वट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा अपना सिक्योरिटी को बेस देगा आरबीआई चाहेगा कि कमर्शियल बैंक के हाथ में कम रुपया बचे तो इसलिए बोलेगा कि तुम मेरा सारा सिक्योरिटी खरीद लो सेल कर देगा तो कमर्शियल बैंक का सारा लिक्विड कैश किसके पास चला जाएगा आरबीआई के पास अब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विड कैश नहीं है सिक्योरिटी आ गया अब आपको लोन में क्या सिक्योरिटी देगा नहीं

जैसे एक कस्टमर ने बैंक सी आई ऑफ़ कमर्शियल बैंक उसने बैंक के संग आकर सौ रुपया जमा करवाया अब का क्या जिम्मेदारी है इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट अब आईसीआईसीआई बैंक इसमें से चार रुपया रखवा देगा आरबीआई के पास ठीक है और बाद बाकी अट्ठारह रुपया रख लिया अपना तिजोरी में लॉकर में लॉक करके अब कितना रुपया बचा

कैश गोल्ड और अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये तीन लिक्विड फॉर्म में रख सकता है इसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर एल स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक है कुछ रुपया रख दिया किसके पास आरबीआई के पास कुछ रुपया रख लिया अपने पास जो वो खर्च नहीं कर सकता लोन के फॉर्म में तो इसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर और एस तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई जान के दोनों रेट को बढ़ा देगा सीआरआर एस को क्यों ताकि 78 ₹ गिर जाएगा यानी लोन देने का कैपेसिटी गिर जाएगा यानी इन्फ्लेशन इज गेटिंग कंट्रोल अगर रिसेशन चल रहा है तो दोनों रेट को गिरा दिया जाएगा तो आप देख रहे हो हर एक चीज में मैंने बोला इन्फ्लेशन में सारे रेट्स को बढ़ाना है रिसेशन में सारे रेट्स को गिराना है अब इसमें और एक है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट

तो कमर्शियल बैंक भी है खाली अपना प्रॉफिट देखे जा रहा है लोन दिए जा रहे हैं उसको कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है इतना ज्यादा जो कि डिस्ट्रक्टिव है तो अब आरबीआई फिर जब रिक्वेस्ट फेल हो जाते, तो आरबीआई डिरेक्ट इशू करता है इशू ऑफ लेकिन कितनी बार तो आप लोग इतने होते डिरेक्टिव से भी नहीं सुनते हो तो फिर आपके लिए क्या करना पड़ता है आपके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ता है तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट इफ इट फेल्स टू फॉलो दी नॉर्म्स व्हिच इज गिवन बाय आरबीआई फॉर क्रेडिट कंट्रोल

क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल देख लो मोरल सुचुएशन रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट किया जाता है तो ये सब हो गए मेरे क्रेडिट कंट्रोल के मैकेनिज्म एब्सोल्युटली क्लियर अब ये पूरा इसका एक जिस्ट देखना चाहोगे ये पूरा जिस्ट ये तो आपका हो गया मैट का सवाल अब इसका पूरा जिस्ट आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा जिस्ट एक जगह मैंने आपको पीपीटी दिखाया था और मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ फटाफट इसका रिविजन कर लो बर्ड आई व्यू है आप रिविजन कर लो इसका चलो पूरा आरबीआई का फुल फ्लेजेड रिविजन कर सकते हो आप यहाँ चार्ट से आपके लिए चार्ट बनाया वो आप चेक कर लो जितने भी मैंने डेटा बोले सब यहाँ पे लिखे हुए एस्टेब्लिश ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल अप्रेलटीन थर्टीन फोर्टी पहले कैलकाटा फिर मुंबई गवर्न बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई एपेक्स अथॉरिटी इन इंडिया देख लो एक बार अच्छे से आरबीआई का फंक्शंस देख रहे हो बैंकर्स बैंक गवर्नमेंट करेंसी नोट्स इश्यू कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व क्रेडिट कंट्रोल प्रमोशनल फंक्शन कलेक्शन पब्लिकेशन ऑफ डेटा सारे फंक्शन भी यहाँ पे मैंने दिखा दिए इसके बाद क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर चार मेथड बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन सीआरआरएसएलआर है ना रेपो रिवर्स क्वालिटेटिव के अंदर मॉरल स्वेशन कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्रेडिट राशनिंग फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट देख रहे हो तो अगर मैक्रो का खाली ये मेरा आप लेक्चर भी देख लोगे ना ये जो मैं मैराथन ले रही हूँ पूरा का पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा मैक्रो का फिर मॉनिटरी पॉलिसी आप देख रहे हो सब कुछ मैंने डिफाइन किया बैंक रेट क्या होता है सीआरआर बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टू कमर्शियल बैंक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक है ना और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है एमसीक्यूज में तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन कितने दिन के लिए फोर्टीन डेज तक का लोन के लिए सीआरआर क्या होता है पोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है और जो खुद के पास रखता है उसको एसएलआर आर बोलते हैं स्टेटेटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्फ्लेशन में दोनों भरता है में दोनों गिरता है ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लेशन रिसेशन देख लो अच्छे से फिर उज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आर आरबीआई शक्ति कांता दास इज अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ठीक है क्लियर है सो पूरा आरबीआई मैंने आपको पूरा पिक्चर को क्लियर करवा दिया एकदम था ठीक है अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में सेंट्रल बैंक हमने डिस्कस कर लिया अब कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक का बोल रहा है फंक्शंस क्या है इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या एक कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है आप मुझे बताओ अलग अलग टाइप्स बताओ पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉरेन बैंक वैसे तो कमर्शियल बैंक का दो टाइप होते हैं शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए जिसका मेजोरिटी स्टेक किसने होल्ड करके रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जिसका मेजोरिटी किसने होल्ड करके रखा है प्राइवेट तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या आपका कोई कमर्शियल बैंक है बताओ आईसीआई बैंक के संग अकाउंट है एसडीएफसी के संग है तो सेक्टर बैंक के एग्जांपल हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक तो ये सारे अलग अलग टाइप के बैंक्स है आप इससे क्या करते हो अपना जो सेविंग्स है अपना जो रुपया जाके जमा करते हो तो पहला फंक्शन क्या हो गया कमर्शियल बैंक का टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अब मैंने बोला था डिपॉजिट अलग अलग टाइप का होता है जब आप फिक्स पीरियड तक डिपॉजिट करते हो पांच साल दस साल जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे हाइएस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जो आप डिपॉजिट करते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट करंट डिपॉजिट जो बिजनेसमैन लोग खुलवाते हैं जिससे उनका ट्रांजेक्शन होता उसको है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं और जो आप डिपॉजिट करवाते हो थोड़ी बोडी सेविंग्स जिसका कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता कॉल सेविंग्स अकाउंट है ना जिसका लेकिन मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है और जिस वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इसका पहला फंक्शन हो गया अलग अलग टाइप के डिपॉजिट क्या हो डिपोजिट करेंट इंटरेस्ट नहीं मिलता वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वैसे ही रेकर होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है चेंज होता रहता है विद टाइम टू टाइम अब बैंक क्या करता है आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और किसी और को लोन देता है तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया पेमेंट ऑफ लोन तो अब लोन भी अलग अलग टाइप का होता है शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिमांड तो ये सब हो गया अलग अलग टाइप के लोन फैसिल में होता है फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड देता है तो यह सब लोन का ही तो फॉर्म हो गया अब बैंक आपको पता है कमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोस ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपोजिट एंड लैंडिंग ऑफ लोन इज क्रिएटिंग क्रेडिट इन द इकोमी एंड दिस फंशन इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन सो बी वेरी केयरफुल इन द एग्जाम क्रेडिट क्रिएशन किसका फंक्शन है कमर्शियल बैंक का लेकिन क्रेडिट कंट्रोल किसका फंक्शन है सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करता है क्रेडिट क्रिएट कौन करता है कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ लोन एक हाथ से रुपया लिया दूसरे हाथ से दूसरे जन को रुपया दिया इसके अलावा कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो एक्टिंग एज एजेंट अपना डीमेट अकाउंट किसके थ्रू खुलवाते हो कमर्शियल बैंक के थ्रू आप अपना डिविडेंड किससे कलेक्ट करवाते हो कमर्शियल बैंक के थ्रू आप अपना पेमेंट किससे करवाते हो कमर्शियल बैंक के थ्रू तो अलग अलग चीज का पेमेंट करना आपको एडवाइस करना फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह ये सब एक्ट करता है अलावा so बैंक और भी बहुत सारा सर्विसेज देता है लाइक लॉकर फैसिलिटी आप अपना कीमतें जेवर ज्वेलरी ये सब कहां रख के रखते हो बैंक्स में जाके रखते हो ना सो इट इज गिविंग यू लॉकर फैसिलिटी इज कॉल्ड एज जनरल यूटिलिटी फंक्शन एजेंसी मतलब एजेंट की तरह एक्ट करता है आपको एडवाइस एडवाइस देता है फिर अगर कोई बंदा मर गया और उसका सारा प्रॉपर्टी बैंक के पास है तो बैंक उसका ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है उसका लीगल एग्जीक्यूटर की तरह एक्ट करता है आपके भी आप में चेक्स कलेक्ट करता है डिविडेंड कलेक्ट करता है पेमेंट करता है एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा ठीक है

वो किस लिए काम करे प्रॉफिट कमाने के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी तो होना चाहिए अब आपको पता है ना बैंक दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है जब आपको लोन लेता है आपसे इंटरेस्ट लेता है है ना तो लोन देके इंटरेस्ट ले रहा है तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट इट इज अर्निंग इसके अलावा बैंक के पास जो सरप्लस फंड रहता है बैंक अलग से अपना ट्रेडिंग बुक्स मेंटेन करके रखता है इन्वेस्टमेंट कर देता है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में वहां से भी प्रॉफिट कमाता है सो इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी और कोई भी बैंक जो है उसको सॉल्वेंट रहना जरूरी है इनसॉल्वेंट हो गया तो फिर कोई आदमी का भरोसा ही उठ जाएगा कोई इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जाके बैंक में कैसे डिपॉजिट करेगा एंड प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की डिपॉजिटर्स का मनी सेफ है कोई आके चोरी चुकारी जो है आकर दिन दहाड़े बैंक को लूट के तो नहीं चला गया एंड प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग प्रिंसिपल ऑफ लोन ये तो पता ही है फंक्शंस है सेविंग्स लेना लोन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कि ये जो सारा फंक्शंस जो कर है डिस्चार्ज इकोनॉमिकल है ठीक है एंड सर्विसेज दे रहा है सीक्रेसी सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बैंक इतना जन का अपने पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल सेव करके रखता है कस्टमर्स का डेटा सेव करके रखता है तो आप क्या जाकर पूछ सकते हो कि मैं बताओ तो मैम का आपके पास बैंक अकाउंट है ना कितना बैलेंस है उनके अकाउंट ऐसे आप पूछ सकते हो बैंक आपको बता देगा नहीं बता सकता बैंक को अपना कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म्स रखना बहुत जरूरी है अगर नहीं रखेगा फेल कर गया तो इन दैट केस पता है क्या होगा जो कस्टमर है वो बैंक से लीगल क्लेम फाइल कर सकता है ठीक है

पहले टाइम क्या होता था शहर में खाली बैंक होता था आजकल रूरल एरियाज में भी बैंक है और हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बैंक होना जरूरी है इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी ठीक है सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल तो अब इसमें से कुछ प्रिंसिपल को छाट कर बोल दिया गया है साउंड बैंकिंग सिस्टम का एसेंशियल क्या है वही सेम चीज लिक्विडिटी ऊपर था सफिशियंट कैश इन हैंड होना चाहिए वही चीज है एक्सपेंशन मैंने बोला बैंक ब्रांचेस हर जगह होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और लोन करना यही तो बैंक का इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना ह्यूमन फैक्टर ठीक है एक बैंक के संग आएसे 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 बैंक के संग. तो बैंक क्या करेगा मान लो ट्वेंटी परसेंट सीआरआर का रेट चल रहा है तो बैंक क्या करेगा इसमें से ट्वेंटी परसेंट डिडक्ट किया दो सौ रुपया अपने पास रखा और आठ सौ रुपया लोन में दे दिया किसको दे दिया मिस्टर बी को दे दिया मिस्टर बी आठ सौ रुपया जाएगा अब दूसरे बैंक में जमा करवा दिया मान लो में 800 जमा करा है. अब HDFC क्या करेगा 800 में से फर्दर सीआरआर के, के फॉर्म में जो किसी को नहीं दे सकता इसका बीस परसेंट कितना हुआ एक सौ साठ अब बाद कितना बचा सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी किसी और को सी को दे दिया लोन के फॉर्म में अब फिर सी ये रुपया सिक्स फोर्टी लेकर दूसरे बैंक में पहुंचा इस तरह से देख रहे हो ये हजार रुपया जो डिपॉजिट हुआ था वो कितना रुपया में कन्वर्ट हो गया

और ये लोन देते कहा आप कह, कैसे इनके पास पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट से दे ड्रॉ फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट दिस अ मेजर डिफरेंस एजेंसीमेंटल बैंक कमर्शियल बैंक लाइक आईसीआईसी एच डी एफ सी ये भी लोन दे रहा है लेकिन ये लोन देने का पैसा कहां से ले रहा है पब्लिक से ही ले रहा है पब्लिक से पैसा लेकर पब्लिक का ही लोन दे रहा है लेकिन जो डेवलपमेंटल बैंक होते हैं वो कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं लेता वो गवर्नमेंट से पैसा लेकर आप लोगों को लोन दे रहे हैं और ये जो डेवलपमेंटल बैंक हो रहे हैं ये खाली डेवलपमेंटलोर्ट इम्पोर्ट के, के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लेकिन जो कमर्शियल होते हैं वो वो कोई भी तो कोई भी भी के के लिए लिए लोन लोन दे दे सकते सकते हैं तो जैसे आप शादी के लिए लोन लेते हो एजुकेशन के लिए लोन देते हो इंडस्ट्रीज के लिए लोन कोई भी पर्पज के लिए कमर्शियल बैंक लोन देता है तो ये मेजर डिफरेंस हो गया फंडिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में नॉन फंडिंग फंडिंग मतलब इंस्टीट्यूशन के बीच में और कमर्शियल बैंक के बीच में और इसीलिए

मैंने पूरा माइक्रो का इनडेप्थ रिविजन करवाया था पार्ट वन पार्ट टू बोलकर तो आईएफसीआई कब एफ हुआ था इट वाज अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन या बोलो डेवलपमेंटल बैंक नाम से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसको लोन देगा इंडस्ट्रीज को लोन देगा उनके डेवलपमेंट के लिए ठीक है और वो भी लॉन्ग टर्म लोन पच्चीस साल तीस साल तक का लोन दे रहा है दे आर गिविंग लोन फॉर द पीरियड अपू ट्वेंटी फाइव इन कैपिटल गुड्स के लिए लोन दे रहे हैं मशीनरीज खरीदने के लिए समझ मारा

ठीक है है ये लोन देता आप जानते हो किसको मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये लोन देता है मीडियम इंडस्ट्रीज को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कब हुआ था 1953 में और ये पंजाब में सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था और अभी टोटल आईसीआईसीआई यू नो आईसीआईसीआई आईसीआई यहां क्यों है तो एक कमर्शियल बैंक है और ICICI तो 1994 में क्या आप ये बात जानते हो आईसीआईसीआई बैंक पहले एक डेवलपमेंटल बैंक हुआ करता था इट वॉज नॉट अ कमर्शियल बैंक इट वॉज अ डेवलपमेंटल बैंक डेवलपमेंटल के लिए लोन देता था लेकिन फिर ये कब था? 1955, बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकिन फिर नाइनटीन नाइनटी फोर में आईसीआईसीआई बैंक कन्वर्ट हो गया कमर्शियल बैंक में और अब ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ठीक है जो हर चीज के लिए लोन देता है और रिटर्न में प्रॉफिट कमाता है ज अ प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक बट पहले इट तो वॉज अ तो डेवलपमेंटल बैंक जैसे आई एफ सी आई आए, वो भी पहले एक डेवलपमेंटल बैंक था लेकिन अभी एनबीएफसी बन गया और जैसे आईसीआईसी वो भी पहले डेवलपमेंटल बैंक था लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया ठीक है फिर वैसे ही आपका है एस आई डी सी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये किस लिए बनाया गया था स्टेट के डेवलपमेंटल के लिए रैपिड इंडस्ट्रियालाइजेशन के लिए इंडस्ट्रीज को लोन देता था ये ठीक है और टोटल कितने हैं ये ट्वेंटी एट नाइनटीन सिक्सटी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

और रीफाइनेस भी कर किसको रीफिनेंस कर RRB, है किसको रीफाइनेंस रीजनल रूरल बैंक एग्रीकल्चर डेवलपमेंटलिटी फॉर एग्री 1982. देखो मैंने बोला हैूरल डेवलपमेंटल बैंक को तो ये हो गया नबार्ड का फंक्शन फिर वैसे ही LIC, LIC सीज एन इंश्योरेंस कंपनी है नाइनटीन हुआ था, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज करके एलआईसी को फॉर्म किया गया था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उनको अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसीज देना तो ये होगी एलआईसी का फंक्शन जी अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भी बहुत सारे कंपनी है like example, जो अलग टाइप का इंश्योरेंस देता है मरीन इंश्योरेंस देता है फायर इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस मेडिक्लेम का सर्विसेज देता है तो ये अलग जो होगा ये होगा मेरे जनरल इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो कि अलग अलग टाइप का रिस्क को कवर करता है लाइक रिस्क अगेंस्ट फिजिकल एसेट लॉस ऑफ फायर एक्सीडेंट ठीक है या फिर मेडिक्लेम एक्सीडेंट से जो लॉस हो गया एटसेट्रा कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करके रखा है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट कब एस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन बट इन कब हुआ स्टार्ट कब हुआ सेबी जो है सेटअप हो गया था एट्टी में बट एक्ट पास हुआ टू में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था

तो ये एशियन कंट्रीज को लोन देने में हेल्प करता है इंडिया को भी देता है और दूसरे भी जो एशियन कंट्रीज है हो गए, ADB, IMF, IMF भी इंडिया भी इसका है अगर फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए तो आप आई एम एफ के पास जा सकते हो आई एम एफ कब एटेब्लिश हुआ था एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है नाइनटीन फोर्टी सेवन में किस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट

ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए ये किसके लिए बताओ लॉन्ग टर्म लोन अब आपको पता है वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा ब्रांचेस है जिसमें से एक ब्रांच का नाम पे सिर्फ दिया हुआ है एक ब्रांच का भी नहीं दिया हुआ किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ बट आपको पता हो आई डी ए इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ द वर्ल्ड बैंक जैसे बहुत सारे पुअर कंट्रीज है जिसके पास पैसों का बहुत कमी है उन्हें अगर लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से तो वो पता है आईडीए ब्रांच के पास जाते हैं क्योंकि आई डी ए इंटरेस्ट फ्री लोन देता है जो मेंबर कंट्रीज को लोन देता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता पुअर कंट्रीज को देता है so, name, lending, आप क्यों, क्यों बोला जाता, आप समझ गए ना आईडीए इज कॉल्ड एज सॉफ्ट लेंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन देता है अपने कंट्रीज को विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट आईडिया इज नथिंग ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक इन गिविंग लॉन्ग टर्म लोन टू मेंबर कंट्रीज एंड वर्ल्ड बैंक वाज डेवलप्ड इन 1947 इन द ब्रेटन कॉन्फ्रेंस इंडिया इज ऑल्स मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के और जानना चाहोगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एंड आई डी ए तो ये सारे ब्रांचेज है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड बैंक के तो बस एक बार पढ़ के रखो

दे ड्रॉ देयर रिसोर्सेस फ्रॉम गवर्नमेंट बट ये लोग क्या करते हैं दे एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट वेर एज डेवलपमेंटल बैंक डोंट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट है ना इन लोग गवर्नमेंट से पैसा लेकर लोन देते हैं

सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक कौन से एग्रीकल्चर क्रेडिट करना बट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्लियर है यहाँ तक तो आप लिख सकते हो आईसीआईसीआई एंड आईडीबीआई गॉट कनवर्टेड इनटू क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक ये लोग पहले क्या थे डेवलपमेंटल बैंक्स थे और आई भी जो डेवलपमेंटल बैंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया इन टू कंपनी पर ये वाला आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है तो बताओ कैसा लगा ये चैप्टर ओवर हो गया इजी और डिफिकल्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमने पढ़ा एशियन डेवलपमेंटल बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक का ब्रांच ही आईडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसको सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है वर्ल्ड बैंक का शॉर्ट टर्म लोन देता है वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है और जो एडीबी एशियन डेवलपमेंटल बैंक वो एशियन कंट्रीज को लोन देते हैं जिसका हेड ऑफिस कहां पे फिलीपींस में फिलीपींस ऑलराइट सो दिस कंप्लीट्स योर बैंक्स एज वेल बताओ कैसा लगा ये चैप्टर फटाफट फीडबैक दो वेरी क्विकली आई वांट योर फीडबैक वेरी वेरी क्विकली आई वांट योर फीडबैक फिर उसके बाद हम लोग मनी मार्केट चालू करेंगे ठीक है थैंक यू गरिमा लर्न हो गया अब मनी मार्केट मात्र एक पेज का चैप्टर दस से पंद्रह मिनट लगेगा योर एंटायर सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी रिवाइज चलो आ जाए हम लोग मनी मार्केट में थैंक यू सौरभ मनी मार्केट में आ जाए अब हम लोग फटाफट मैं आपको बोल रही हूँ आप खाली मेरा ये वाला लेक्चर भी देख लोगे तो भी आप आंसर स्टिक पर, कर पाओगे एग्जाम्स में एंड रिपीटिंग अगेन जितने भी एमसीक्यूज आपके इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ देम क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जितने भी क्वेश्चन है फेरा कोई बैंक नहीं है फेरा इज एज नेम ऑफ एक्ट कशिश फॉरिन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पहले इंटरनेशनल ट्रेड को फेरा एक्ट रेगुलेट करता था बट अभी फेमा एक्ट आ गया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइन में पहले पेरा हुआ करता था पेरा है। पेरा वॉज देयर इन दर नाइन सेवन थ्री बट इट गॉट रिप्लेस नाइनटी नाइन ठीक है ये रेगुलेट करता है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज को uh, foreign trade को ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्लियर है ऑल राइट कशिश पेरा का फुल फॉर्म पूछ सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट थैंक यू बिट्टू फॉर द अप्रिशिएशन

कैपिटल मार्केट इज बेसिकली रेगुलेटिंग द शेयर मार्केट ठीक है जो सेबी जिसको रेगुलेट करके रखता है कैपिटल मार्केट जहां पे शेयर का डीलिंग होता है जिसका मे्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा होता है लेकिन मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जिसका मेच्योरिटी पीरियड विद इन वन ईयर होता है इट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्रिएट करने के लिए मनी मार्केट होता है जैसे कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेंट है जो अलग अलग शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं ठीक है ट्रेजरी बिल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीतीश याद नहीं हुआ इतना तो ईजी है चार पांच तो पाँच था आरबीआई का डेट्स इंपॉर्टेंट है फिर आई एफ सी आई आई डी बी आई का डेट इंपॉर्टेंट है आईसीआईसीआई का मैंने बोला सबसे पुराना वाला कौन सा था आई एफ सी आई का फिर मैंने क्या बोला दो डेट और आपको लर्न करवा आईसीआई का नाइनटीन फिफ्टी फाइव और आई डी बी आई का नाइनटीन सिक्सटी फोर नहीं याद हुआ क्या कितना ईजी है बताओ हो जाएगा याद एक बार आपको बस सुनना है ध्यान से सारे डेट्स याद हो जाएंगे 1955? सबसे पुराना 1948 फिर 55 पर 64 ये तीन डेट याद हुआ कि नहीं और फिर ये दोनों का डेट तो कॉमन है 47 1947 में ही दोनों जन एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और दोनों का ब्रिटनवुड्स कॉन्फ्रेंस है ना ठीक है और, फिर 34 और 35, IC, आ, आ, का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था 949. तो कुछ कुछ है याद हो जाएगा आप क्लासेस करोगे ठीक से तो तो अब हम लोग बात कर रहे थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो मनी मार्केट बेसिकली क्या चीज से डील करता है से, मतलब वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्ट हो सकता है कैश में

पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बाद भी नेशनलाइज नहीं है इसलिए पब्लिक सेक्टर का दो क्लासिफिकेशन दे दिया एक लिख दिया एस बी आई और फिर एक लिख दिया नेशनलाइज नेशनाइज मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया क्लियर है तो ये हो गया पूरा मेरा मनी मार्केट का स्ट्रक्चर तो अब यहां पे बोल रहा है मनी मार्केट का फंक्शन क्या है जो लेंडर्स होते हैं बोरुअर्स होते हैं करते क्या है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी और नोटिस मनी कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है ध्यान से सुनना जब दो बैंक आपस में लोन लेते हैं इंटर बैंक लोन

क्यों लोन लेना पड़ता है अरे आपको पता है ना उन्हें अपना कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है सीआरआर आरबीआई का स्टेटरी रेगुलेशन है अगर वो फॉल हो गया तो उन्हें लोन लेना पड़ता है दूसरे बैंक के संग तो दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन लिया एक दिन तक तो उसको कॉल मनी बोलते हैं लेकिन एक दिन से ज्यादा अप टू फोर्टीन डेज लोन लिया तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं तो ये हो गया मेरा कॉल मनी या नोटिस मनी जो लोन किसके बीच में हो रहा है दो कमर्शियल बैंक के बीच में या दो कमर्शियल बैंक के बीच में लोन का लेन देन हो रहा है ठीक है

अब उसको आजी का है। बिल का और बैंक से क्या करेगा बिल का डिस्काउंटिंग करवाएगा विच इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बैंक रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट चार्जेस डिडक्ट करेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा है ना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर बाद रुपया बाद बाकी रुपया दे देगा ड्रॉ ऑफ द बिल को और जब बिल मच्योर होगा तो बिल का पैसा किसको मिल जाएगा बैंक को मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्रेड बिल जो बेसिकली ट्रेडिंग पर्पज के लिए होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में काम आता है इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल मार्केट ये तो ये जनरली आप देखते हो बिल का मच्योरिटी पीरियड तीन महीना का ही होता है तो ये सब शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है ऊपर भी मैंने बोला एक दिन से चौदह दिन का लोन दो कमर्शियल बैंक के बीच में बट यहाँ पे दो बिजनेस बिजनेसमैन का बात हो रहा है एक बायर और एक सेलर का तो ये हो गया कमर्शियल बिल ठीक है फिर वैसे ही ट्रेजरी बिल मार्केट अब जैसे एज एन इंडिविजुअल एज एन कॉर्पोरेट बॉडी भी आपके पास बहुत सारे, सारे सरप्लसकेट क्यों क्योंकि ये ट्रेजरी बिल में लिखा रहता है की गवर्नमेंट प्रोमिस टू रीपे द प्रिपल अमाउंट रिटर्न ऑन द ट्रेजरी बिल समझ मारे बट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता तो फिर लोग क्यों खरीदेंगे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है जनरली ये सारे ट्रेजरी बिल डिस्काउंट में आप परचेस करते हो जैसे मान लो उसमें वन थाउजेंड रुपीज लिखा हुआ है आप इसको खरीदोगे नौ सौ रुपए में लेकिन जब मेच्योरिटी होगा तो आपको गवर्नमेंट पूरा का पूरा हजार रुपया देगा तो सौ रुपए का फायदा हुआ ना तो इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं होता है यहाँ पे कैपिटल अप्रिशिएशन का फायदा होता है ये डिफरेंस इन रिपेमेंट के टाइम जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसका फायदा होता है तो ये ट्रेजरी बिल को सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट क्यों बोला गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है

तो ये सब डेट्स पूछो और 1980 1992 में 364 का तो 182 डेज वाला 1986 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया और 364 वाला 1992 में सो ऑल दीज आर बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच कैरीज नो रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन अब कमर्शियल पेपर क्या होता है कमर्शियल पेपर भी एक टाइप का पेपर है जो कि इशू किया जाता है बट दे आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट यहां कोई श्योरिटी नहीं आपका पैसा मिले कि नहीं बट जनरली मिल ही जाता है नहीं तो लोग क्यों खरीदेंगे ये भी शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होता है एक साल तक के लिए इशू करता है कौन इशू करता है ये ये कंपनिया इशू करती हैं कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर कंपनियां लोग इशू करती है और नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इनका खरीदते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो एक कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीद कर बैठ गया अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है ठीक है और फिर उसके बाद जब मेच्योरिटी पीरियड आता है तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देता है ये कौन इशू करता है आप समझ गए कॉर्पोरेट्स इशू करती है किसको इशू करती है

अब इंटर बैंक टर्म लोन क्या हुआ अब यहाँ पे भी दो बैंक के बीच में लोन का लेन हो रहा है लेकिन ग्रेटर देन डेज के लिए अप टू फोर्टीन डेज तो कॉल कॉलर नोटिस मनी हो गया उससे ज्यादा तक का लोन ले रहे हैं लोग डेज से ज्यादा का दो कमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई ने एच से लोन लिया छह महीने के लिए तब वो किस में आ जाएगा इंटर बैंक लोन में आ जाएगा ठीक है और इंटर बैंक लोन में जो है बोल रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स भी लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक दोनों का वर्ड है क्लियर अब कोल लोन मार्केट क्या होता है ये बेसिकली जब कमर्शियल बैंक एक इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन अगेंस्ट सिक्योरिटी बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा तो उसको बोलते हैं बोलतेल लोन मार्केट ठीक है और जनरली सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स क्लियर है तो अब बोल रहे इंडियन मनी मार्केट का डिफेक्ट्स क्या है एक बार फटाफट बोलो अगर दो बैंक आपस में लोन ले रहे हैं एक दूसरे से ठीक है एक दिन के लिए तो कॉल मनी चौदह दिन के लिए नोटिस मनी उससे ज्यादा दिन के लिए इंटर बैंक लोन हो गया कमर्शियल बिल हो गया जो नॉर्मल ट्रेडिंग के काम में आता है बिजनेस लोग के बीच में होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सचेंज ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करता है अलग अलग डेज का होता है नाइनटी वन मे्योरिटी डेज वन एटी टू थ्री सिक्सटी फोर डेज इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता ठीक है खाली प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट होता है लेकिन इशू होता है तब डिस्काउंट पे होता है कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनी इशू करते हैं देर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है जिसके बदले में अपना आम जनता अपना रुपया डिपॉजिट कर सकता है इंटर बैंक दो कमर्शियल बैंक के बीच में लोन बैंक कैन बी अ पार्ट ऑफ इट में जनरली सिक्योरिटीज इशू किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन देते हैं बैंक डिफेक्ट्स क्या हो गए जो ऑर्गेइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना ये झमेला हटाओ एक ही संग करके रखो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है लोग आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं राधर देन फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है फिर उसके बाद एक यूनिफॉर्म ऑल इंडिया मनी मार्केट नहीं है अलग अलग कमर्शियल बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहे है ना मनी लेंडर इनको भी परव्यू में लो आरबीआई के अंडर और एक ऑल इंडिया मनी मार्केट जनरेट करो हर एक ब्रांचेज में हर एक बैंक में एक ही कॉमन स्टैंडर्डाइज रेट होना चाहिए और बैंकिंग फैसिलिटी को डेवलप करो रूरल एरियाज में अनबैंक एरियाज में ठीक है और ये जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है ना इसको यूनिफॉर्म बनाओ हर एक इंटरेस्ट रेट एक ही होना चाहिए सो दैट्स इट द चैप्टर इज ओवर सो दिस कंप्लीट्स योर मैक्रो इकोनॉमिक्स इन बताओ कैसा लगा क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया एकदम छोटा सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक का मैनेजमेंट हम लोग पहले ही कवर कर लिए थे तो मैनेजमेंट का मैराथन भी हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का मैराथन भी हो गया आई होप यू गाइज है क्लासेस पूरा मैंने इनडेप्थ एक एक टॉपिक को कवर किया है इसमें

का वेबसाइट अगर किसी को एडमिशन लेना है लेक्चर देखकर अगर आप सोचो एडमिशन कैसे ले सो डब्लू डब्ल्यू डॉट एम ईपीएल डॉट कॉम में आप विजिट कर सकते हो कोर्सेज ऑप्शन में आप क्लिक करके फाउंडेशन में क्लिक कर सकते हो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आप आराम से सिलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो और एम ईपीएल का मेंबर बन सकते हो सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस और कोई भी डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आराम से पूछो मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी कोई चिंता नहीं है ठीक है सो चलो बाय